हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आज बताने वाले दोस्तों PUK कोड जो ब्लॉक्ड हो जाता है, पुक ब्लॉक्ड। ये दोस्तों हमारे सिम में पुक ब्लॉक्ड लॉक हो जाता है। तो दोस्तों ये कैसे होता है, क्यों होता है और कब इसका सोल्यूशन क्या है, तो इस वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन देंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखना। और हाँ दोस्तों, छोटी सी एक रिक्वेस्ट, अगर अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सिंपली इसमें दिखाता हूँ, मेरे पास दो फ़ोन है, ठीक है, देख सकते हैं। ये मेरा, यह भी दोनों कीपैड फ़ोन है सैमसंग का। तो सबसे पहले दिखा देता हूँ दोस्तों, ये मेरा इसमें लगा हुआ है। और सर दोस्तों ये कैसे होता है देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मेरा सेटिंग है, देख सकते हैं, यहाँ सेटिंग जाएंगे, सिंपल इसमें देख सकते हो। सेटिंग के बाद दोस्तों सिक्योरिटी के यहाँ पे ऑप्शन देख रहा है, सिक्योरिटी पे सिंपल। ये दोस्तों यहाँ पे तीन ऑप्शन होता है, फ़ोन लॉक, सिम लॉक और पिन लॉक। तो दोस्तों हम लोग क्या गलती करते हैं, पिन लॉक में आते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग 4-5 या 8-10 पर जो भी हम लोग पिन लॉक कर देते हैं, यहाँ पे लगाते हैं तो बहुत ट्राई करते हैं। तो सिंपली दोस्तों वह फ़ोन पिन पुक लॉक्ड हो जाता है, वह सिम पुक ब्लॉक्ड हो जाता है, जहाँ अधिकतर बार अगर कोई भी नंबर डालेंगे तो। दोस्तों यही मेन रीज़न यहीं से होता है। तो दोस्तों ये कभी जल्दी ना करें, यहाँ से इंटर पिन 2 या 3 बार लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा अगर करोगे तो फोन पुक ब्लॉक का समस्या आने लगता है। सिंपली से आप देख सकते हैं मेरा ये अच्छा वाला फ़ोन है। तो दोस्तों ये आपको गलती नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों इसका क्या सोल्यूशन है देख सकते हैं, ये मेरा ये लगा हुआ है। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आप जिस सिम कंपनी का यूज़ करते हो सिंपली इसको कस्टमर के पास कॉल करना है। उसके बाद दोस्तों अपना जो भी कस्टमर कॉल लगेगा उसके बाद आपके जो इसके नाम से सिम होगा उसके नाम को बताना है, जिसके नाम से होगा। और दोस्तों आपका आधार नंबर देना पड़ेगा, उसके 4 डिजिट का आधार, लास्ट वाला 4 डिजिट देना होगा। उसके बाद बताना अपना एड्रेस जो भी हो सिम के बारे में, जहाँ का होगा एड्रेस बताना। सिंपली से कंपनी आपको 6 डिजिट का नंबर देगा, उसके बाद वो दोस्तों यहाँ पे देना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों दूसरा ऑप्शन एक और हो सकता है, डायरेक्ट कंपनी या जिस सिम का होगा उसका न्यू नंबर लेना पड़ेगा, यही दूसरा ऑप्शन है दोस्तों पुक ब्लॉक्ड का। तो दोस्तों आई होप वीडियो पसंद आई, मेरे छोटे से इन्फॉर्मेशन। तो वीडियो लाइक कीजिएगा और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को रेड कलर सब्सक्राइब बटन होगा, उसे सब्सक्राइब कर लेना जरूर। तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं एक न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।